नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। 8 घंटे से पहले राउंड में 40 सवाल किए गए। इस दौरान राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि जितने भी सवाल पूछने हैं आज ही पूछ ले, बार बार बुलाकर परेशान न करें। 2 दिन पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी को बाहर आने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। दरअसल बयान के दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले राहुल ने इसे बारीकी से पढ़ा और उन्हें शब्दों पर आपत्ति जताई जिसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। राहुल ने नाराजगी जताते हुए ईडी के अफसरों को यह भी कहा, पूछताछ के लिए बार बार बुलाने से हमारे कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं और आप बाहर देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। राहुल ने 2 दिन में अब तक 17 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों से 2 तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मांग अनुपात में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं कर पा रही। इसकी वजह से राजस्थान के 6,500 पेट्रोल पंप में से करीब 2,000 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। लिहाजा अगर आप जयपुर या राजस्थान के किसी अन्य शहर में हैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल जरूर चेक करके ही घर से बाहर निकलें। जालौर जिले के अहोर के प्रेरणा शिक्षित संगठन जयपुर द्वारा जालौर जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान व शिक्षा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए संगठन की पूरी टीम ने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के दौरान रतनलाल मानव, मोहनलाल डांगी, शेखर मानव, शुभदयाल राणा व उनकी टीम, जालौर जिले के अध्यक्ष सत्य प्रकाश संगठन के पदाधिकारी व दमामी समाज के छात्र छात्राओं ने अभिभावक मौजूद रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत प्रोटोक्रिक कॉलेज के परिसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर तथा जयनारायण व्यास टाउन हॉल में चल रहे हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निर्देश दिए कि स्ट्रक्चरल कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए एवं फिनिशिंग कार्य को दिसंबर तक पूर्ण करने का प्रयास करें। मेवाड़ कायम खानी महासभा के युवाध्यक्ष भीम खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 14 जून को खान डे मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश और देश में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कायम खानी समाज की नव गठित संस्था मेवाड़ कायम खानी महासभा की अनुशुधा ने पूरे मेवाड़ में कायम खानी बाहुल मोहल्लों, गांव तथा शहरों में आज नवाब कायम खान दिवस मनाया गया। आज 14 जून कायम खानी डे पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित किया गया। विगत दिनों में मेवाड़ कायम खानी महासभा के अध्यक्ष जवान बीटी खान ने इस संबंध में एक अपील जारी की थी। सभी कायम खानी सरदार अपने ग्राम, नगर, मोहल्ले अथवा घरों में 14 जून को नवाब कायम खान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें और दादा कायम खान जी को खिजारे अकीदत पेश कर उनकी मगफरत की दुआएं करें। त्रिवेणी धाम के कृष्ण धर्मशाला में यादव समाज को वार्षिक महोत्सव सम्मेलन का शुभारंभ त्रिवेणी धाम के महत श्री रीसपाल दास जी महाराज की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की श्री गणेश किया। वहीं यादव महोत्सव के साधु संतों ने भी सभी को आमंत्रित किया। सम्मेलन में आए हुए साधु संतों का महाराज रीसपाल दास जी की सन्निधि में हरि कीर्तन का आयोजन भी किया गया। आतिथ्य में आई रेजिमेंट की मांग एवं समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य लोगों ने का माला इफ़ाफ़ा व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। रिपोर्ट कैलाश यादव ने बताया कि सम्मेलन में पधारे भामाशाह व युवा नेता बलराम यादव ने समाज के हित के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजूरी में नेबुआ नौरंगिया चिकित्सा प्रभारी मनोज कुमार ने डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान चिकित्सा प्रस्तुति सेवाओं के विस्तार, समय रहते प्रसव संबंधी जटिलताओं को पहचानना और उनके उपचार करना
सभी सुविधाओं के साथ डिलीवरी वाइट की शुरुआत की गई। प्रसव सेंटर की शुरुआत होने से एएनएम व स्टाफ नर्स 24 घंटे की मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव यादव सहित समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की दर्दनाक मौत। इस टायर ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला। चालक ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। चांदपुर के पाटवी इलाके में हुआ हादसा इस समय हुआ जब एक साइकिल सवार व्यक्ति बिजनौर नूरपुर रोड से गुजर रहा था और तेज रफ्तार से ट्रक उसकी साइकिल सहित कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। साइकिल सवार 39 वर्षीय राम रतन सिंह पुत्र नथु सिंह निवासी ग्राम जैनुआपुर की मौत से परिवार का रो रोकर बुरा हाल हुआ। मृतक सुबह सवेरे ग्राम अमहोड़ा के वापस अपने गांव लौट रहा था, जिसके पास लगभग 4 बीघा जमीन बताई जा रही है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मौत की सूचना से परिवार के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए और काफी समय तक शव वहीं रखकर विलाप कर रहे थे। बदायूं में मेडिकल कॉलेज के समीप मंगलवार की दोपहर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रॉली के पीछे तेज रफ्तार से आ रही डीसीएम में जोरदार टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रॉली में सवार एक किशोर समेत 6 महिलाएं श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को समीप के मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जबकि जो की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दर्दनाक सड़क हादसे की सूचना पर एसीपी कई थानों की पुलिस दोपहर मूसा झाग और हजरतपुर के क्षेत्र गांव में ओराया बमनापुर के ग्रामीण ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भागीदारी के धाम कचला गंगा स्नान कर ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस अपने गांव लौट रहे थे कि श्रद्धालुओं से ट्रॉली बैरली मथुरा हाईवे पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के समीप पहुंची कि पीछे से आ रही तेज गति से डीसीएम नेट रानी को अपनी चपेट में लेकर जोरदार टक्कर मार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत सुधारने के लिए अशोक गहलोत ने सरकार ने अब उन्हें मिड डे मील में खाने के साथ एक ग्लास दूध भी पिलाएगी। आने वाली 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना को लेकर सरकार की तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन बच्चों के पोषण पर काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार की इस योजना पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पूर्व में गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी की वसुंधरा राजे को भी इस दूध योजना में गफलन होने और इसके कारगर नहीं होने पर आरोप लगाते हुए बंद किया था। सरकारी स्कूलों में कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में भोजन का खर्च तक मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे में इन बच्चों के स्वास्थ्य पर खासा नकारात्मक असर पड़ता है। इसकी वजह से प्रदेश में कुपोषित बच्चों के आंकड़े बड़ी संख्या से सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत के सुधार के लिए गहलोत सरकार ने मिड डे मील के साथ अब दूध का खर्चा वहन करेगी। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद करीब 70 लाख स्कूली बच्चों को 1 जुलाई से सप्ते में 2 दिन डिब्बे में दूध का ग्लास मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।